मानो मानो, अभी तक रॉय आया नहीं है, उसे बुलाना। हम क्यों बुलाएंगे, हम उनके बाप के नौकर है क्या? अरे मैंने ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दिया है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। आदि, यू आर सो स्मार्ट। थैंक यू। फ्री फायर में आतंक, और आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया। तो बॉस, आतंक का पहला नाम क्या है? अबे पहला नाम भी यही है। चलो छोड़ के कहां उतर गई आदि। चुप आदि। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग बरमुंडा में अभी बिल्कुल सेफ जा पे खड़े। पटाखे क्यों फोड़ रहे थे? वो तेरे बाप की शादी थी ना। आदि, आदि हमारे बाप की शादी थी, तूने बताया तक नहीं। आज अगर हमारी मम्मी जिंदा होती तो मुझे जरूर बताती। तेरी enemy spot. अबे ये तो कुछ भी नहीं है, जब मेरे बंदूक से गोली निकलती है तो 10-10 किल ऐसे ही हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, ये देखो है कोई मुझसे बड़ा प्रो प्लेयर? यस, यार गोली खत्म हो गई, नहीं तो अभी लोगों का गेम बजा देता। चलो यहां से चलते हैं। हाय, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। हाँ भाई बता ना। कसम का किसी को नहीं बताएगा। मानो जा जल्दी कुर्सी लेके आ। ओके आदि, किसी की नहीं बताऊंगा। आदि तू नीचे झुक जा। ओके। बरमुंडा मैप में फैक्ट्री के बीचों बीच एक रूम के अंदर 1 करोड़ की डायमंड है। 1 करोड़। 1 करोड़। धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे भाई, दीवारों के कान होते हैं लेकिन मुंह नहीं होते, बोलेंगे कैसे? चल चुपचाप और उसे निकालते हैं। शिट यार, वो लोग चले गए। बब्बन, वो लोग ऐसे कैसे चले गए बब्बन? मानो कुर्सी
हाँ लाया ना कुर्सी। अबे कुर्सी नहीं नीचे देख। ओह आई एम सो सॉरी आदि। अबे रहने दे। ओके बबन बबन वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग बोल रहे थे किसी फैक्ट्री के बीचों बीच एक रूम के अंदर 1 करोड़ के हीरे हैं। हमें उन्हें किसी भी हाल में निकालना है। हम क्यों निकालेंगे? हम उनके बाप के नौकर है क्या? भाई लेकिन ये तो बहुत लंबा है। मेरे ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये गड्ढे की लंबाई होगी 20 फुट और तेरा वजन है 80 किलो। मतलब तू 80 की स्पीड से अगर जाएगा ऐसे इस एंगल में यूं यूं पार कर लेगा। लेकिन भाई ये तो बहुत लंबा है। अरे तू सोच मत, तू जा, मेरी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। तू वहां जाएगा और सारी लूट हमारी। ठीक है भाई जा। भाई लगता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। तुम मिल गया भाई, मिल गया भाई। भाई इधर इधर इधर। हाँ हाँ बता क्या मिल गया। आपको पता है मार्केट में काफी सारे यूट्यूबर प्रमोट करते हैं डायमंड को, बट उसमें किसी में डायमंड नहीं मिलता। हाँ ये तो पता है, इसीलिए मैंने स्टैंड वाला से बात करके उन्हें एक नया सिस्टम का आइडिया दिया है और उन्होंने इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया। इजी है, सबसे पहले आपको स्टैंड को डाउनलोड कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो इनके ऐप में डायमंड्स को जेम्स बोलते हैं। लॉगिन करके उनका एक मिडिल पे देखिए, स्टार्ट मिशन में क्लिक करना है। इसमें नए यूजर्स के लिए बहुत सारे मिशन है जिसमें आप जेम्स यानी डायमंड अर्न कर सकते हो। सिंपल टास्क है, 2 सेकंड में हो जाता है। स्पिन वगैरह करना हर दिन होता है, ऐसे करके 4 से 5 दिन में 20 से 50 रुपए तक रिडीम कर सकते हो। और तो आपको अर्जेंट है, मेरे जैसे एक दिन में सब कुछ चाहिए, तो एक ऑफर चल रहा है। सिर्फ नीचे दिए गए मेरे लिंक से एक्स्ट्रा मिशन पे परचेस कोड पे क्लिक करो। यहाँ देखो 30 रुपए परचेस करने पे आपको 300 जेम्स मिलेंगे। डे 1 का मिशन कम्प्लीट करना है, ये 30 रुपए डालना है, 40 से 130 रुपए विड्रॉल कर लेना है रिडीम सेक्शन से, मतलब अप टू 100 रुपीज का प्रॉफिट। तो इजी है ना गाइस। इनके ऐप में और भी तरीके हैं जेम्स कमाने का। जितना ज्यादा जेम्स कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा रिडीम कर सकते हो। तो जल्दी जाके डाउनलोड करो। अच्छा अभी जाके डाउनलोड करता हूँ। पूरा मैप का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया पर एक भी जगह लूट नहीं मिला। लगता है सारा लूट फैक्ट्री में ही है। तू सही बोल रहा है। मैं तो बोलता हूँ गानों छोड़ो, चलो सीधे डायमंड लूटते हैं। तुम लोग को जो करना है करो, मुझे तो सुसु करना है। अबे मुझे नहीं इसे सुसु करना है। मानो तो यहाँ सुसु कर रहा है। हाँ क्यों, हम लोग यहाँ सुसु करने नहीं है? इस पहाड़ों के साथ आना तो हम लोग डायमंड पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए जो पहले डायमंड पास आएगा डायमंड उसका। तो भाग रहा है मानो, पकड़। अबे मुझे नहीं उन्हें पकड़। सो सॉरी आदि। आदि आदि अगर हम लोग को डायमंड मिल गया उसमें से मेरा कितना हिस्सा होगा? तो भाई भाई मैं बंटवारा कैसा? अच्छा ठीक है, तुम 20 रख लेना, मैं 80 रखूंगा। ठीक है मानो 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 मानो, तू यहाँ सो रहा है? चल जल्दी हमें डायमंड ढूंढना है। आदि मैं सो नहीं, मैं कंबा। चल जल्दी। सीट यार एमओ खत्म हो गई, नहीं तो अभी उन गुंडों का किल कर लेता मैं। सही बोल रहा है भाई।
लिए। एक किल तो मैंने कर ही लिया है और दूसरा खुद ब खुद चल के आ गया। लेकिन भाई हमारे पास तो गोलियां ही नहीं है। अबे हमें पता है कि इसमें गोलियां नहीं है, तुझे पता है कि इसमें गोलियां नहीं है, उसे थोड़ी ना पता है कि इसमें गोलियां नहीं है। भाई भाई मुझे मत मार, मेरे पास 1 करोड़ की डायमंड है। अबे तुम दोनों की नजर जहाँ तक जा रही है वो सारे जमीन मेरे बाप की है। पर बॉस ये तो फ्री फायर है। अबे फ्री फायर हो या अबे कौन है तू और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या? अबे बाप पे मत जा। ठीक है तो माँ पे जाता हूँ। तेरे माँ की शादी है क्या? अबे माँ बाप दोनों पे मत जा। इसकी हैंकड़ी कुछ ज्यादा ही हो रही है, जरा इसकी तलाशी तो लो। इंस्पेक्टर डिटेक्टिव रॉय। अबे पुलिस वाले को सलामी ठोकता, पुलिस वाले को सलामी ठोकता है। कार्ड में फोटो भी नहीं है, लगता है अंडरवियर ऑफिसर। अंडरवियर नहीं, अंडर कवर ऑफिसर। अबे तू सिखाएगा मुझे इंग्लिश? तू सिखाएगा इंग्लिश? आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया है। 10 लूट 20 किल, लेकिन आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि बाबू भैया कौन है। अब तू बता कौन है बाबू भैया? आपका नाम बाबू है, आपने 10 लूट 20 किल किया, आपका दूसरा नाम आतंक है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम बाबू भैया है? कौन है वो गद्दार? बस मैं नहीं हूं बस। तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा, अब तो तू गया। कोई आखिरी चाहो तो हमें फूल से भी मत बताना, क्योंकि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो तुम्हारी आखिरी चाह पूरी करेंगे। बाबू हमें छोड़ दे, मैं बस 1 करोड़ की डायमंड है। बता कहाँ रखे है डायमंड? बता कहाँ है डायमंड? बरमुंडा मैप के फैक्ट्री के बीचों बीच एक रूम के अंदर 1 करोड़ की डायमंड है। आदि आदि तुमसे नहीं होगा, अब मैं ट्राई करता हूँ। अबे साले मरना है क्या? भाई भाई प्लीज हमें पीक तक छोड़ दे भाई प्लीज। अबे पीक क्यों जाना है? अरे ओ भाई पीक में मेरा खाला घर है। आदि आदि तूने बताया भी नहीं, हमारी एक खाला भी है और तुम बोल रहे थे कि फैक्ट्री जाना है डायमंड निकालना। तुम्हें कैसे पता चला डायमंड के बारे में? कहीं तुमने तो नहीं बताया? भाई भाई मैंने नहीं बताया, मैं तो आपके साथ था। अब तो तुम्हें डायमंड के बारे में पता चल गया, अब तुम्हें मरना होगा। हमें आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। तू सही बोल रहा है आदि, इसलिए तू इससे लड़, मैं इससे लड़ता हूँ। बाबा मेरे कहने का मतलब है हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, वहाँ डायमंड कोई और लेके चला जाएगा, हम लोग साथ में चलते हैं, क्या बोलते हो? अरे यार सब पहुंच गए, अब उन लोगों को मारेंगे कैसे? हमारे पास गोलियां भी खत्म हो गया। आइडिया, मेरे पास एक बम है, अभी उनके ऊपर फेंकता हूँ।
तो अकेले अकेले क्या खा रहा है? ना मुझे भी दे। अबे ये तो बम है। बस बस ये देखो आसमान से क्या गिरा है। अबे साले ये बम है। देख भाई मैंने बम फेंक दिया, मेरे तीन गिनते गिनते वो सारे बंदे मर जाएंगे। एक दो तीन। वो रहा रूम, तुम दोनों जाओ और वहां से डायमंड लेके आओ। ओके बॉस। ओके बॉस। लगता है सारे बंदे मर गए। चलो डायमंड निकालते। चल 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 चल। अबे जा कहाँ रहे हो? जरा हमसे भी मिलते जाओ और हमारी गोली मिलते जाओ। मुझे पता है सब लोग यहीं पे हैं, इसलिए आपस में लड़ने से अच्छा है कि डायमंड को एक साथ निकाल के आपस में बांट ले। अबे कौन है बे? बाबू भैया डायमंड उधर है। एक करोड़। हैंड्स अप। तुम लोगों को क्या लगता था ये डायमंड मैं तुम लोगों के साथ बांटूंगा? ऐसा तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया? तुम लोगों में से जो भी पहले मरना चाहता है वो एक कदम आगे आ जाए। तुम्हें मरने की जल्दी है तो आगे क्यों आया? मैं कहाँ गया आया? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ आदि। मानव मुझे गर्व है कि तू हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। ये सब तो ठीक है पर तुम आग क्यों मार रहे हो? अबे मैं आग कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो तुझे बता रहा हूँ। ये क्या? ये तो गन है। अबे ये कब से थी तेरे पास? ये तो मुझे पहले ही मिल गई। तो साले चलाया क्यों नहीं? वो ना मेरी माँ ने मना किया था गन चलाने के लिए। मानो तुझे तेरे बाप का वास्ता चला गोली। रॉय बाप का वास्ता मत दे क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। मानो तुझे तेरे भाई का वास्ता चला। आदि इसकी गोली तो मैंने पहले ही निकाल ली थी। तो साले पहले बताया क्यों नहीं? तुमने पहले पूछा ही नहीं। नो 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 नो। Yes.